नई गाड़ी को रिपेंट कौन करेगा भाई? रिपेंट? हाँ रिपेंट की बोल दी थी उन्होंने, आप हाथ लगा देखो इस पर रबिंग होने के बाद। जिस बंदे को विश्वास नहीं हो रहा ना कि भाई झूठ बोल रहे हैं, वो इस गाड़ी पे हाथ फेर के देख लेना। 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं फिर भी कोई 10 लाख रुपए गाड़ी थोड़ी ली है, मैं जो सुनेंगे नहीं इंसान की। थर्ड क्लास सर्विस है, डिसलाइक दे रहा हूँ भाई बिल्कुल। बोलने का ढंग और घमंड सा है कि उनको अपने आप में कि हम टोयोटा में हैं। आपके यहाँ पेंट ऑर्डर हो? पापा बात कर रहे ना ऐसे लैपटॉप में, हमने तो बोल दिया, हमने तो कर दिया, ये कर दिया, इग्नोर, फुल इग्नोर भाई। इतना टाइम लगा मुझे खर्चा को उन्होंने बता दिया, अब आपको किसी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या सी हमारे पर क्या डिपेंड करता है सर? सर उस पे एमडी पे पर लगेगा सारा, उन्होंने बताया तो है भी आपके सामने। क्या एक दहेज में गाड़ी मिली है, कार रोक समझ लिया, फ्री फंड में दे दी, कोई इनाम में दे दी, लॉटरी में दे दी, ये सर्विस है क्या? नहीं कर रहा पैसा हमें क्लेम नहीं कर रहा सर, वीडियो मत बनाइए एक तो क्या दिक्कत। हेलो भाई, मरुण पवार। बहुत लोग कहते हैं भाई कि महिंद्रा की बुराई करता रहता है, महिंद्रा की बुराई करता है। भाई हम बुराई उस चीज़ की करते हैं जो गलत काम करते हैं भाई, जो कस्टमर की नहीं सुनते हैं। महंगे महंगे पैसे खर्च करने के बाद भी जो डीलरशिप कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत कर देती है गाड़ी के साथ, प्रोडक्ट के साथ, कंपनियाँ जो थोड़ा सा कर देती है, लिटिल लिटिल कोई डिफेक्टिव पीस दे दिया, मैनुफैक्चरिंग की कंप्लेंट दे दी, और उसको मानना नहीं, उसको कस्टमर को टालना, क्योंकि भाई हज़ारों में से एक गाड़ी में कंप्लेंट निकल जाती है, कंपनी उस पर पट्टी बांध लेती है। तो भाई आज की वीडियो मैं टोयोटा के ऊपर बनाने वाला हूँ, जहाँ पे इनकी सर्विस को बेस्ट बताया जाता है कि भाई इनकी सर्विस तो द बेस्ट है, हर कोई यही कहता है भाई। लेकिन आज जो हमारे साथ केस निकल के आया है ना भाई, अब वो यार इस बंदे की किस्मत लगा लो या कुछ भी लगा लो, उसके साथ प्रॉब्लम आना लाजमी ही है। और मोटी दिक्कत इतनी कि वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है टोयोटा की फॉर्चुनर लेने के बाद। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई संदीप डागर। सुनाओ भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनाइए। बढ़िया। तो संदीप भाई कितने दिन पहले लिया आपने टोयोटा फॉर्च्यूनर ये? भाई मैंने 20 अप्रैल को ली थी वाली। तो कितना अभी तो एक महीना हो गया, मतलब मान लेते हैं एक महीना हो चुका है। हाँ। तो क्या दिक्कत है यार, मेन पॉइंट पे आते हैं यार, 45 लाख रुपए खर्च करके आपने टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x2 तो ले ली, क्या दिक्कत बन गई? देखो भाई मैं स्टार्टिंग से आपको एक कहानी बताता हूँ। हमने जब ये बुक करी थी ना, तो हमें मेरी शादी आ रही थी, आपको पता ही होगा भाई, सबको पता होगा, तो हमें शादी से पहले चाहिए थी। तो भाई हमने बुक की थी सुपर वाइट कलर अपना, तो भाई वो तो उन्होंने दिया नहीं, मतलब डेली दो दो दिन टालते गए गोली देते गए एक तरीके से। फिर एंड में आके बोलते हैं सर हम आपको पर्ल वाइट दे देते हैं, ये 15-20 हज़ार रुपये महंगा है कलर, बट उन्होंने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया महंगे का। अच्छा जी। हाँ 15-20 हज़ार रुपये महंगा उससे। अच्छे टोयोटा वाले तो भाई, टोयोटा वाले 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं देते मुझे समझ आ, बट हमें कैसे दे दिया 15-20 हज़ार रुपये का इन्होंने? तो उनके कहने से हमने ले ली भाई। अब जैसे 3-4 दिन हो गए गाड़ी को, मैं गया रेपोलिस पे वॉश कराने के लिए, वैसे जो वैसे स्टोर होते हैं जहाँ पे अपना डिटेलिंग वगैरह होती है। हाँ ओके। तो वहाँ पे वॉश कराने गया, फॉर्म वॉश से भाई गाड़ी कराई, तो गौरव भाई बता रहे वॉश करने से पहले, संदीप भाई इसकी बॉडी पे हाथ फेर के देखो, आ जाओ मैं दिखाता हूँ। अच्छा। उन्होंने यहाँ पे हाथ फेर के दिखाया, कह रहे थे पूरी गाड़ी खुदरी खुदरी हुई पड़ी, रफनेस वगैरह क्या है हुआ है इस पे पूरी गाड़ी पे, वो तो रखी है सच में। और देखो अब 2-4 दिन बाद ये हाल हो चुका था, गाड़ी लेने के बाद मेरी गाड़ी का टायर फट गया था, 2 दिन गाड़ी एजेंसी में खड़ी हुई थी। गौरव भाई मेरे को बता भी रहे थे इसमें देख पेंट की बौछारें लगी हुई है, मैं दिखा देता हूँ, आ जाऊँ, ये देखो हल्की हल्की बौछारें दिख रही होंगी आपको पेंट की, देखो वाइट वाइट डॉट डॉट ये रे। राइट यार, ये देखो हमारे वहाँ पे तो कोई ऐसा पेंट होता नहीं कि बौछारें उड़ के लगेंगी, कोई पेंट का काम ही नहीं हमारे वहाँ पे तो कोई। भाई कितनी खाली जगह आपने देखी रखी है भाई, ना तो पूरी गाड़ी पे फैलेगी वो, यहाँ पे हाथ फेर के देखो भाई, चलो इसके अंदर आपको वो लगेगा, एक बार हाथ लगा देखो यहाँ पे कितनी रफनेस है, यहाँ पे डिग्गी पे देख लो, बम्फर पे देख लो, छत पे देख लो भाई, रफनेस चलो आएगी कुछ उड़ के, पूरी गाड़ी एक साइड ही तो लगेगी, बम्फर पे लग जाएगी, नीचे थोड़ी लग जाएगी रफनेस। इन द सेंस ये कह रहा है जैसे आप कोई भी नई गाड़ी लेते हो उसका पेंट जो होता है भाई एकदम, मतलब आप हाथ फेरोगे ना कहते हाथ ऐसे प्लेन होता है, इसमें क्या पेंट खुदरा खुदरा हो रहा है, मतलब ये वॉश भी करवा लिया आपने, ऐसा तो नहीं बाहर से कुछ चिपक गया हो, मिट्टी विट्टी ऐसे चल रहा हो कुछ? फिर मैं 1000 किलोमीटर सर्विस पे ले गया, सर्विस वालों को मैंने दिखाया, मेरी शादी थी भाई, शादी पहले मैं लेके नहीं आया, मैंने कि मैं खुद ही बिजी था इतना, उसके बाद मैं लेके गया तो उनको दिखाया, वो कहने लगे भाई इस पर रबिंग होगी, मैंने कि भाई रबिंग होगी, मैंने कि भाई ये फिर ठीक हो जाएगा रबिंग से? इन्होंने कहा हाँ सर 100% ठीक हो जाएगा रबिंग से। टोयोटा वाले कह रहे थे? हाँ। पेंट में वो दिक्कत रफनेस आ रही थी, यहाँ पे देखो हाथ लगा के, यहाँ पे हाथ लगा बहुत ज़्यादा रफनेस है गाड़ी पे, ये देखो अलग ही दिखती है, तो मुझे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे पेंट की बहुत सारे भी दिख रही है, देखो आपको डॉट डॉट दिख रही होगी, या तो पेंट के रीजन से हुआ यहाँ पे कहीं पेंट हो, वो मैंने इंश्योरेंस में गाड़ी छोड़ी थी अपनी, या तो उसकी वजह से हुआ होगा यार, नई गाड़ी में जब ऐसा हो जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है भाई। तो मेरी बात हो चुकी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गाड़ी का काम होना है, तो मैं गाड़ी यहाँ पे एक दिन के लिए मुझे छोड़नी पड़ेगी, रबिंग वगैरह होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, मैं बाहर से करा नहीं रहा हूँ, एजेंसी में ही करा रहा हूँ अपनी गाड़ी का काम।
तो देखते हैं जैसा भी होता है भाई। मैंने कहा चलो अच्छी बात है फिर ठीक हो जाएगा। मैंने कहा रबिंग का मैं चार्ज दूंगा नहीं। मैंने कहा भाई मेरी नई गाड़ी में, नई गाड़ी पे क्यों दूं चार्ज। मैंने कहा चार दिन गाड़ी ली हूं, उसके बाद ये हाल हो चुका था। फिर मैं वारंटी मैंने बात करी, मैंने भाई पेंट में क्या दिक्कत देखो। उन्होंने कहा सर कुछ आके लग चुका है गाड़ी पे, रोड पे चलती है जैसे वहां से कुछ उड़ के लग जाए। उनको मेरी गाड़ी मिली थी, रोड पे से मेरी गाड़ी में ही लगेगी सब कुछ। आपका माल, आपका पैसा, आपकी गाड़ी सर, हम तो आपकी सर्विसेज के लिए बैठे हैं सर। ये बहुत गलत बात है सर, बिल्कुल मैडम मैं आपसे कह रहा हूँ एमरी पेपर लगेगा, रबिंग से काम नहीं बना ना। रबिंग की आपके आगे खड़े होकर मैं दोबारा करवा देता हूँ रबिंग। और बोलो तो सर आपने कहा था कि हमसे रबिंग से गाड़ी साफ होगी, आपने कहा था हमसे गाड़ी रबिंग से साफ होगी। दीपक जी जरा मेरे केबिन में आना, अर्जेंट है थोड़ा सा, आपके एक कस्टमर है तो राजू को भेजिए जरा, आपके एक कस्टमर है वो मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने फोर्स किया गाड़ी लेने के लिए, कलर हम सारा पर्ल वाइट ले लो, पर्ल वाइट ले लो। पहली बार तो आप आए थे, आपने बोला इन्होंने रबिंग के लिए बोला हुआ है, याद कीजिए मेरे पास अभी। और क्या रबिंग के लिए पहले मैंने सरा तो करो से काम सब मैं करूंगा। आपने अभी मुझे बोला कि मैंने आपको रबिंग के लिए सजेस्ट किया, नहीं ये तो मैंने आपसे नहीं बोला सर। आपने नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोले बात मैंने। अच्छा चलो नहीं बोला, चलो ठीक है। मैं आपसे सर इस बारे में बात हुई रबिंग के लिए मेरी सर से बात हुई थी। मेरी क्या बात हुई कि पहले तो एगा था सर 50% लेंगे ऊपर वारंटी वाले भाई ने और मुकेश ने ये मनीष ने। फिर आपसे मेरी बात हुई सर मेरी गाड़ी में तो हमसे तो हुआ नहीं है काम, नई गाड़ी ली चार दिन, फिर आपने कहा फ्री में कर देंगे काम, हुई थी बात। एक गुडविल पे बोला था मैं ठीक है मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर आप मैं गाड़ी ले आया यहाँ पे, ठीक है, आप थे नहीं। अभी भैया बोल रहे हैं हमने काम करा, अब काम करवाने के लिए तो बैठे हो। 10 साल हो गए टाटा से बंदे हुए, पहले मेरे पे इनोवा थी पहले, हमारी इनोवा में कभी ये नहीं हुआ। या बोलते आपके घर के पास कुछ ऐसी चीज है वहाँ पे उड़ के वो लगती है। मैंने कि भाई आज तक किया पे तो ये सब हुआ नहीं है, किया कलर चेक कर लो, ये तो उससे महंगी है, इसका कलर तो और अच्छा होना चाहिए उससे। धीरे धीरे बात हुई, फिर वो कहने लगे सर हम इसको रबिंग फ्री में कर देंगे। फिर वो वारंटी वाले भाई बोलने लगे इसकी इस गाड़ी पर रबिंग फ्री में कर देंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई। तो फिर वो मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई 100% चांस तो मैं ये बोल नहीं रहा, मैंने कहा 10% भी अगर ये फिर से हो जाता है ये काम गाड़ी पे तो आप क्या वो करोगे। वो कह रहे सर हम फिर से इसको या तो फिर इसको रिपेंट करेंगे। नई गाड़ी को रिपेंट कौन करेगा भाई, रिपेंट। हाँ रिपेंट की बोल दी थी उन्होंने, वारंटी वाले भाई ने ये कहा था मेरे ऊपर कि अगर कोई 1% वो पहले तो मना कर रहे थे कि रबिंग से साफ हो ही जाएगी, 1% चांस नहीं रहेगा कि भाई इसमें कुछ रहेगा। मैंने कहा अच्छी बात, फिर भी मैंने उसको एक ये बोला कि भाई आप 1% चांस मुझे बता दो, अगर हो भी गया तो आप गाड़ी पे क्या करोगे। यार सर रिपेंट करेंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे से एक भाई कंपनी में ये भी कह रहा था, मैंने कहा भाई नई गाड़ी पे कौन रिपेंट कर रहा था। बोलो सर एक भाई के पैसे सीन हो गया तो उन्होंने 60,000 रुपए में रिपेंट कराई थी गाड़ी। मैंने तो मना कर दिया, मैंने भाई नई गाड़ी पे रिपेंट तो नहीं करा रहा मैं। फिर बोलते हैं भाई सर कुछ ना कुछ इलाज निकलेगा, इस बात नहीं आगे से होगा ही नहीं। मैंने चलो ठीक है भाई। फिर मेरी बात होती मनीष से जो सर्विस एडवाइजर ने गाड़ी सर्विस करवाई थी, वो बोलते सर 50% वो देना पड़ेगा। मैंने कहा अभी तो मेरी बात हुई थी फ्री में एक दो दिन पहले। फिर बोलते सर किससे हुई थी वो, मैंने की वारंटी में जो भाई है वारंटी में जो गाड़ी देख गए थे वो। फिर मैंने उस भाई से बात करी, वो मना करता कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा भाई तू झूठ क्यों बोल रहा है, बोल के ऐसा हम फ्री में करेंगे। आप मेरे को मेरे अपने लिए होता है ना, वो बता रहे हैं कुछ फुहार वाली चीज है, अगर वैसे नहीं होता तो निकल जाता रबिंग। नहीं ये भी तो हो सकता है, नहीं निकल रहा ये भी तो हो सकता कलर डिफॉल्ट हुआ यहाँ से पहले ही, हमने धाक मार्क नहीं देखा इस चीज से, हमने तो इतने प्यार से चेक नहीं किया हमने। सेल्स ऑफिसर आ गया, आप बात कर लो। नहीं जिस दिन गाड़ी में अच्छा लगा नहीं है, बेशक से जी हम भाई एटीट्यूड तो अच्छा लगा नहीं इनका। तेरे जो आपने गाड़ी दी है पूरी गाड़ी पे फुहार आई पड़ी है, हाथ लगाओगे तो पार्टिकल्स चिपके पड़ेंगे, जैसे कहीं मेट्रो प्लेट पेंट हो रहा था हवा हो रहा था हवा में पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, चिपक गए पूरी गाड़ी पे। बाजट पूरी गाड़ी पे तो नहीं चिपकेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक पीछे तक नीचे तक कलर डिफॉल्ट गया और कलर हमें जबरदस्ती दिया गया। और क्या मैं भी कह रहा हूं कि कलर दिया गया हमारा, पूछ लो कौन सा कलर तो सुपर वाइट कलर तुम्हारा कलर अटक रही थी, ये बैठे खड़े सामने मेरे शादी की दिक्कत अटक रही जब कलर दिया मेरे को, ये सर का कहना है। अब दूसरा उसमें हमने रबिंग नहीं कर दी, वो रबिंग से नहीं जा रहा, पूरी गाड़ी पे एमरी पेपर मारना पड़ेगा जिसमें 2 दिन लगेंगे। पहले मैं एक क्लियर करता हूँ सर, बोलो आपको कलर कौन सा व्यवस्थित दिया, व्हाइट सुपर व्हाइट चाहिए तो भाई मैं आपने पर्ल व्हाइट पर्ल व्हाइट साथ दिया है जब व्यवस्थित कलर दिया मेरे को व्यवस्थित दिया हमने। और क्या आपकी रजामंदी और भाई जब आप फोर्स कार जब गाड़ी में सुपर गाड़ी नहीं मिलती मेरे को फिर मैं क्या करता, साथ ही गाड़ी नहीं मिली मेरे को, आपको गारंटी आपने 3 महीने तो गाड़ी दे देंगे सारी पेमेंट जमा कराई मेरे से। वो दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें क्यों, मैं बताता हूँ आपको। पर्ल कलर जो है वो अलग चीज है, जो आप कह रहे हो फुहार आई है ना वो अलग चीज है। यार मैं कह रहा हूँ भाई की गाड़ी लेकर तो था किसी चल फुहार को फुल गारंटी ला रहे की मेरे को दिखा तो सही है चीज है दो दिन गाड़ी काम नहीं हो सकता
नई गाड़ी उतनी एजेंसी में रही है, टायर फटे पे, यहाँ भी पेंट हो सकता है, यहाँ नहीं उड़ा। मैं पेंट की बोछारे जिस दिन गाड़ी गई डिलीवरी होकर गई थी उसी दिन शाम को एजेंसी में गाड़ी आई थी, मेरा दो दिन गाड़ी यहाँ पर रही, बिल्कुल टायर फट गया था, क्लेम नहीं, यहाँ भी तो पेंट हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने रबिंग करवाने से पहले दिखाने से पहले उनसे ये बोल दिया भाई तू टोयोटा में ऊपर मेल डाल दो कि हमारी गाड़ी में ऐसी दिक्कत है, कहीं अगर आपसे ठीक ना हो कहीं आप हम पे ब्लेम डाल दो बाद में ठीक नहीं हुई है। सर्विस जीएम सर्विस में उनका नाम है विनोद जी, तो उनसे मेरी बात हुई, हाँ चलो मेरी गाड़ी के लिए बोल दे कि सर आ जाओ हम आपकी फ्री में कर देंगे रबिंग वगैरह, मैंने सर आप कर तो दोगे मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी बिल्कुल, उन्होंने कहा हाँ हो जाएगी बिल्कुल ठीक है। फ्री में करने के बाद भी मैं और पापा गाड़ी को लेने गए एजेंसी, भाई उस पर मैंने हाथ फेर के देखा, मैंने ये तो वैसा ही सेम, आप हाथ लगा देखो उस पर रबिंग होने के बाद, और देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई कोई खुदरी है भाई, खुदरी है यार भाई, बहुत सी पब्लिक बोलती है ना कि रबिंग करवाई नहीं करवाई, अरुण आगे टायर के ऊपर देखो वो प्लास्टिक पे ना रबिंग के निशान लग रहे होंगे, ये रे भाई देख लो रबिंग के निशान, फिर भी ना हो रहा ठीक यार ये, फिर भी नहीं हुआ ठीक। तो भाई मैं और पापा के बात करी, भाई नई गाड़ी में दिक्कत आ चुकी है, तो भाई रबिंग आपने अपनी मन की सी कर ली ठीक नहीं हुई आपसे, फिर भाई हमसे जिदे हम बहुत सारी, मतलब मैंने की बोलने का तमीज नहीं, मतलब वो अपने एटीट्यूड में कि भाई हाँ हम टोयोटा में बैठे तो हम कुछ है, नहीं दो दिन गाड़ी पर खड़ी भी तो नहीं यहाँ पे, जब खराब नहीं हो सकता आप मेरे पे क्लेम कर रहे हो, नहीं जिस दिन आपसे खराब हो सकता क्यों खराब नहीं हो सकता, आप ठीक है चलाइयो गाड़ी, मेरे क्या बदल था आपके यहाँ पेंट ऑर्डर हो, आपकी कंपनी वालों ने बात की एजेंसी में गाड़ी खड़ी थी, यहाँ से कहीं से राख आई थी वो लगी है, आप मेरे साथ चलो, नहीं मेरे से भाई ने कही थी आप मेरे साथ चलो, बुला देता हूँ। 45 लाख की गाड़ी ली है, अगला बंदा हमसे ये भी बोलता है कि सर आपको जब टायर फटा था वो घर पे नहीं फटा कहीं और फटा हो, अरे भाई हमारा टायर घर पे फटा था, हमने वो ही लिखवाया जब घर पे फटा है, वो बात बढ़ाने लगे, मतलब ऐसी की इंसान को पागल समझ रहे थे, भाई हमने सारा कुछ चारू ना आपके सामने तो फटा था भाई टायर, बिल्कुल मैं वहीं पे था, बहस कर रहे थे जिद रहे थे भाई, एटीट्यूड ऐसा कंप्यूटर में लग रहे, बोल ही नहीं, हम बोलते जा रहे कुछ जवाब नहीं दे रहे, जवाब दे रहे तो ऐसे दे रहे, हम पे तो यही काम है बस, हम इससे कुछ नहीं कर सकते ये और वो, मैंने एक तो इनके कहने से कर ले लिया ऊपर से, और जो आधी वीडियो बनी हुई जो गुस्से गर्मा गर्मी की वो मैंने बनाई नहीं है वीडियो, अंदर इस बात नहीं गुस्सा गर्मी भी हुई थी थोड़ी, बट वो जीएम एज में बड़े थे बट उनमें बोलने की तहजीब नहीं थी बिल्कुल ही भाई, क्या दिक्कत, मतलब जीएम वो ये सोच रहे कि मैं जीएम सर्विस में तो मैं मेरी चलेगी ये होगा वो होगा, नई गाड़ी में यार 45 लाख रुपए खर्च करने के बाद पेंट में कोई ऐसी चीज पाती है क्या, चलो मान लेते हैं ये प्लांट से भी नहीं हुई यार ये वाली रबिंग, ये वाली चीज क्या पता तब हो गई हो जब इंश्योरेंस पे जब ये गाड़ी गई थी वहां पे उनसे ही कोई बॉडी शॉप में हो गई हो, हम 100% नहीं कह रहे, हम जस्ट अज्यूम करें क्योंकि वो लोग भी टोयोटा वाले अज्यूम करते रहते हैं इस चीज़ को कि आपसे ही हुआ होगा रोड पर चलती हुई कोई कहीं गाड़ी वे बोलते हैं वे पूरी पे कहीं वो लग गया होगा, अरे तो पूरी पे थोड़ी लगेगी भाई, वो आगे से पीछे पूरा बम्पर से लेके बोनट पता नहीं कैसा पेंट है यार, क्योंकि टोयोटा इतना 50-50 लाख रुपए जब ले रहा है ये क्वालिटी दे रहा है क्या यार पेंट की हद, और फिर बोलते हैं कि एक तरीके से और छूटेगा, वीडियो में कुछ बता रखा है उन्होंने सुन लेना, तो उसके 6,500 रुपए कॉस्ट है उसकी रबिंग से सस्ता ही वो है ना, तो फिर बोलते सर उसकी पेमेंट आपको हाफ करनी पड़ेगी, अरे जब तुमसे रबिंग से नहीं छूटा तो उससे छुटा लोगे, फिर बोल रहे आपको हाफ, हमने चल बोल दिया जिद भी जाके मिल के चल भाई हाफ आप हमसे हाफ पेमेंट ले लेना, बट फिर हमें एक वारंटी ये दे दो कि भाई अगली बार ये हो गया तो फिर क्या करेंगे, मतलब चला गया या ना जाए फिर क्या करेंगे, हम फिर बोलते सर इसकी हम कोई वो नहीं दे सकते, आप गाड़ी कहीं रोड पे चलाओगे तो उड़ के फिर से लग जाए, अरे उसको हमारी गाड़ी में ले गया पेंट को लगने के लिए भाई, हमेशा भाई थर्ड क्लास सर्विस है, डिसलाइक दे रहा हूँ भाई बिल्कुल पसंद नहीं, और बोलने का ढंग और फिर ये और वो घमंड सा है कि उनको अपने आप में कि हम टोयोटा में हैं, जिस बंदे को विश्वास नहीं हो रहा ना कि भाई झूठ बोल रहे वो इस गाड़ी पे हाथ फेर के देख लेना, पता पड़ जाएगी कहीं सोच रहे वीडियो ऐसी बनवा रहे हैं, भाई हाथ फेर के देख लेना, किसी को भी देख लेना जो जिसका मन करे। तो अभी आप क्या चाह रहे हो, क्या मांग है आपकी सरकार, भाई मांग सरकार से कुछ भी मांग नहीं मेरी भाई, बस ये भाई उनको थोड़ा बोलने का ढंग आना चाहिए, टोयोटा में लग रही है थोड़ा उनको तमीज सिखाओ और हमारी गाड़ी को ठीक कराओ जल्दी जल्दी, हम तो यही कहते। उन्होंने क्या बोला है आगे कुछ करेंगे, तो भाई हमने तो ये बोल दिया हम तो लेके जा रहे गाड़ी सर्विस वगैरह में, जो आपको अपना काम करना है वो करना भाई, 2,500-2,500 रुपये जो हम देने लेते यार, बट वो फिर भी हमें आगे की गारंटी कुछ नहीं दे रहे कि भाई आगे कुछ होगा गाड़ी में हम कुछ करेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, आप इनको टाइम देते हैं देखते हैं क्या करते हैं, जो 5,000 रुपये इनसे ले रहे हैं उसमें भी 50% 2,500 रुपये इनसे ले रहे हैं, कह रहे हैं उससे ठीक हो जाएगा। और भाई 36 टोयोटा से मैंने गाड़ी ली जो उनके जीएम वगैरह ना दोनों भाई बिल्कुल बोलने का वो नहीं, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत मतलब कोई मतलब क्या कोई दहेज में गाड़ी मिली है, कार रोक समझ लिया, फ्री फंड में दे दी, कोई इनाम में दे दी, लॉटरी में दे दी, ये सर्विस है क्या? पापा बात कर रहे ना ऐसे लग रहा लैपटॉप में,
हमने तो बोल दिया, हमने तो कर दिया, ये कर दिया, दूसरा इग्नोर, फुल इग्नोर भाई, फुल जिससे बोलते फुल इग्नोर। फोन पे बात करते रहेगा, हम बोलते रहेंगे एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई क्या बंदे रख रहा है, इससे अच्छा कोई भाई सर्विस एडवाइजर बैठा क्या? कोई दहेज में गाड़ी मिली है, कार रोक समझ लिया, फ्री फंड में दे दी, कोई इनाम में दे दी, लॉटरी में दे दी, ये सर्विस है क्या? कमाल है, मतलब डिफेक्ट आ गए तो गाड़ी में तुम इग्नोर कर रहे हो। भाई उनसे इतना बात कर रहे हैं, 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर भी कोई 10 लाख रुपए गाड़ी थोड़ी ली है, मैं जो सुनेंगे नहीं इंसान की। चलो भाइयों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।